आइए मैकेनिक भाइयों, मैं उदयपुर से भांजा मोटर से संदीप साहू मैकेनिक। ये स्प्लेंडर हमारे पास आई हुई है, इस पे मैकेनिकों ने पिस्टन डाल लिया, हेड बनवा दिया, दो तीन बार ये गाड़ी बन चुकी है पर फिर भी ये ऑयल खाती है, धुआं देती है। तो आज हम देखेंगे कि इस पे क्या फॉल्ट है। तो आइए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इसको हमने खोल लिए हैं। अब खोलने के बाद अपन तो खोलने के बाद ये रहा उसका हेड, हमने अच्छी तरीके से खोल कर धो लिया है, धोकर आपको दिखा रहे हैं। आइए अब और उसका ये ब्लॉक है और बाकी उसका ये पुराना पिस्टन है और उसका ये कुछ सामान पड़ा हुआ है। तो हमने पूरा अच्छे से देखा तो इस पे हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला। हमने हालांकि ये दूसरा पिस्टन डलवा के रखा हुआ है इसमें डालने के लिए, और फिर हमने हेड को अच्छे तरीके से धो करके बहुत अच्छे तरीके से चेक किया, क्योंकि इसे दो तीन बार दूसरे मैकेनिक बना चुके हैं। तो अब हम दिखाएंगे कि इस पे क्या फॉल्ट है। देखिए, जो हम जहां हमारा बाल लगता है वो बाल सीट में फ्रैक्चर है, और ये मैकेनिक भाइयों ने ध्यान नहीं दिया, वो फ्रैक्चर हेड में ही है। देखिए ध्यान से, आपको दिख सके तो मैं दिखाऊंगा कि इसके पैच का सलाने बहुत अच्छे से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कहां पर इस पे फॉल्ट है। देखिए मैं पैच का से दिखाने की कोशिश, और ये देखिए ये हेड यहां से फ्रैक्चर है, ये यहां से यहां तक फ्रैक्चर है, और ये फ्रैक्चर यहां से नजर नहीं आ रहा है पर ये यहां से ऑयल इस तरफ हमने चेक कर चुके हैं इस तरफ आ रहा है, और यही फॉल्ट था जो गाड़ी बार बार ऑयल खाती थी, बार बार इसके प्लग में ऑयल आता था। धन्यवाद भांजा मोटर्स उदयपुर मैकेनिक संदीप साहू।